जय श्री राम, जय श्री महाकाल। मित्रों, मैं हूं देवीलाल पाटीदार और आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान देवीलाल पाटीदार छोटा चिरोला। दिनांक है 26 अक्टूबर 2023, समय है लगभग 8:30 बज रहे हैं। इस बार गणेश विसर्जन के साथ होगी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि 21, 22, 23, 24, 25 और 26 तक निरंतर बारिश जो है होती रहेगी। ठीक उसके अनुरूप कई जगहों पर बारिश देखने को मिली है, लेकिन इस दौरान भी कई किसान साथी अपनी फसल की कटाई के लिए मैदान में उतर चुके हैं और कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। अब आगे की क्या स्थिति और क्या परिस्थिति रहेगी, और जो किसान मित्र अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश कब बंद होगी, तो उनके लिए आगे की जानकारी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति और क्या परिस्थितियाँ बनेगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं मंदसौर और नीमच की तरफ। मंदसौर और नीमच में कल एक दो स्थान पर बारिश होगी, जबकि ज़्यादातर स्थानों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन 28 या 29 से लगभग पूरी तरह से मौसम जो है साफ हो जाएगा, किसी तरह की बारिश की संभावना नहीं रहेगी। किसान मित्र अपनी फसल की कटाई 28 के बाद आसानी से बिना रिस्क के कर सकता है। उसके बाद चलते हैं हम उज्जैन, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, हरदा, जो भी निचले जिले हैं उनमें कल यानी 27 अक्टूबर को भी बारिश होगी। कई स्थानों पर अच्छी बारिश होगी, लेकिन 28 तारीख से इन जिलों में एक आध जगह पर बारिश देखने को मिलेगी, जबकि 29 तारीख से बिल्कुल 0% रिस्क पे अपना कार्य चालू कर सकते हैं। जबकि खरगोन, खांडवा, हरदा, जो भी निचले जिले हैं, राजगढ़, ये जिले 30 के बाद से लगभग अपना कार्य जो है शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में काफ़ी अच्छा शुष्क मौसम रहेगा, बारिश की संभावनाएं नहीं रहेगी। और इस बार जो है 29 तारीख के बाद से जो है लगभग 100 की स्पीड से मानसून हटेगा, यानी कि 30 तारीख के बाद में लगभग आधे एमपी से मानसून जो है हट जाएगा, शुष्क हवाएं चलेगी। हालांकि मौसम विभाग इसकी घोषणा लगभग 3-4 तारीख तक करेगा कि भैया एमपी से भी मानसून हटा है, लेकिन शुष्क हवाएं चलेगी। इसी दौरान 28 या 29 को एक और सिस्टम सक्रिय होगा बंगाल की खाड़ी में। कई किसानों को इसको लेकर भी चिंता है कि क्या बारिश बढ़ेगी, तो जो सिस्टम सक्रिय होगा वो आगे बढ़ेगा, इससे पहले जो है मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी, शुष्क हवाएं चलना शुरू हो जाएगी, तो इनका जो शुष्क हवा का जो पलड़ा है वो भारी रहेगा। इस कारण जो है उस सिस्टम का प्रभाव लगभग आधी एमपी से उधर, यानी कि पूर्वी एमपी के कुछ जिले, 5-7 जिले 2-3 तारीख तक प्रभावित होंगे, बाकी लगभग आधी एमपी यानी कि भोपाल से भी और उधर तक जाएं तो वो प्रभावित होंगे। इसके जो भी इधर जिले हैं, अपने जो हर बार बात करते हैं अपन दक्षिण पश्चिम जिलों की, तो इनमें मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। 28 या 29 तारीख से लगभग आधी एमपी से मानसून हट जाएगा, कोई रिस्क नहीं रहेगी। लगभग सभी किसान भाई अपनी फसल को जो है आसानी से काट सकता है बिना चिंता किए। और ये इस सीजन का जो है आखिरी वीडियो है मेरा। उम्मीद है आपको जो भी इस सीजन की जो जानकारी दी है मैंने पूरे बरसात के समय में काफ़ी अच्छी लगी होगी। हालांकि सभी को संतुष्ट कर पाना तो मेरे बस की बात नहीं है। श्री राम भी जो है सबको संतुष्ट नहीं कर पाए थे, तो मैं तो एक प्राणी हूँ। तो इसी के साथ इस सीजन की आखिरी और अंतिम वीडियो और जानकारी के साथ, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय बलराम।